नमस्कार, आपके साथ मैं नीला, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना संकट का शुरू हुआ अहम पड़ाव, लॉकडाउन थर्ड फेज के शुरू होने से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने माथतों के साथ की मंत्रणा, आने वाले चुनौतियों से निपटने के दिए टिप्स। जिले के उपायुक्त पहुंचे टाटानगर रेलवे स्टेशन, पुलिस पदाधिकारी व रेलवे के अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बाहर फंसे लोगों को लेकर विशेष ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर क्या उठाना है कदम, इसकी दी जानकारी। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार झारखंड सरकार ने की सबसे पहले पहल, कोटा के छात्रों को लाने के लिए किया विशेष ट्रेन उपलब्ध। आज रात हटिया से स्पेशल बस से शहर पहुंच रहे हैं छात्र, पार्टी में होगा इनका मेडिकल जांच। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट का अब अहम पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जहां लॉकडाउन थर्ड फेज के शुरू होने से पहले जमशेदपुर उपायुक्त ने आज इस वैश्विक संकट से निपटने को लेकर जिले में बने टीम के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उन्हें आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों को तनाव कैसे कम करना है इसके विस्तार से विजुअल और मैनुअल तरीके से जानकारी दी गई। वहीं अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ है, जिसका श्रेय जिले के उपायुक्त ने अपनी टीम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने के साथ वैश्विक संकट के दौर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की अपील की। वैसे झारखंड में अब प्रवासी मजदूर और छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में जिले के उपायुक्त द्वारा अपनी टीम यानी जिले के अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से उन्हें आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। जमशेदपुर के उपायुक्त ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जिला पुलिस पदाधिकारी व रेलवे के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर किस तरह से ट्रेन के आने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तथा अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, ताकि उनको उनके आवास तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में भविष्य में अगर ट्रेनों का आवागमन टाटानगर रेलवे स्टेशन पर होता है तो ऐसे में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, साथ ही वे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसे लेकर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिला पुलिस पदाधिकारी, रेलवे के अधिकारी व रेलवे के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की। साथ ही सोशल डिस्टेंस को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेल प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, इन गेट आउट गेट पार्किंग की क्या व्यवस्था है, ट्रेन के आने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसकी समीक्षा की गई। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटानगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कम से कम असुविधा के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपादित की जा सके उसके संबंध में यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार ने सबसे पहले पहल शुरू की और कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लाने के लिए ट्रेन की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोटा से विद्यार्थियों को झारखंड पहुंचा दिया। उधर रांची के हटिया स्टेशन पर सभी विद्यार्थी उतरेंगे और जिस जिस जिले के जो विद्यार्थी हैं उस जिले के उपायुक्त अपने स्तर से व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे।
वैसे पुलिस एवं जिले के 150 विद्यार्थी आज देर रात शहर पहुंच रहे हैं। इन विद्यार्थियों को लाने की जिम्मेवारी रविशंकर शुक्ला ने उठाया है। वैसे 10 बस इन विद्यार्थियों को हटिया स्टेशन से ला रही है और पार्टी में इन्हें रखा जाएगा। पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद गंतव्य स्थान के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। वहीं बाहर से आए विद्यार्थी होम क्वारंटाइन में रहेंगे। हालांकि बस को रवाना करने से पहले सैनिटाइजिंग कर बस को रवाना किया गया। मूलतः जो कोटा से विद्यार्थी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा सके। इस लगभग 150 से 175 के बीच में लोग आने के बाद यहाँ पर उनकी बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भेज दिया जाए। बिल्कुल, वो उसमें से होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के संबंध में जो संबंधित पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल होंगे वो निर्णय लेंगे। ये कोटा से आ रहे हैं विद्यार्थी और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। ये लोग ट्रेन से आ रहे हैं कोटा से हटिया और हटिया से फिर बसेस से आ रहे हैं। देश में थर्ड फेज की लॉकडाउन चल रही है। झारखंड के 24 जिलों में रांची जिला रेड जोन घोषित है, वहीं 10 जिला ऑरेंज जोन और बाकी 13 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। रांची रेड जोन जबकि ऑरेंज जोन में बोकारो, गरबा, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, गोड्डा, जबकि ग्रीन जोन में चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पालामू, साहिबगंज, खूंटी एवं रामगढ़ है। पूर्वी सिंहभूम जिला ग्रीन जोन में है, यहां काफी छूट मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल में ओपीडी सेवा बहाल होगी, रिक्शा, ऑटो व टैक्सी का संचालन होगा। कार में ड्राइवर के साथ 2 सवारी रह सकेंगे, बाइक में 1 सवारी होना है। औद्योगिक घरानों में काम शुरू होगा पर कर्मचारी बाहर से नहीं आ पाएंगे। मोहल्ले की सारी दुकानें खुलेगी, दवा, आईटी, कोरियर, ई कॉमर्स, पोस्टल सुविधा, सलून आदि खुले रहेंगे। 33% कर्मचारियों के साथ निजी संस्थानों में काम होगा। यात्री बस और मालवाहक वाहन चलेंगे पर शैक्षणिक संस्थान, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। मंदिर और मस्जिद में इबादत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 10 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजधानी रांची में जारी है कोरोना का कहर। राज्य में 114 संक्रमितों में से 84 राजधानी रांची के ही लोग शामिल हैं। रांची में 84 कोरोना पॉजिटिव के साथ बोकारो 10, पालामू 3, हजारीबाग 3, गढ़वा 3, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा, देवघर व जामताड़ा में 2 व गोड्डा में 1 मरीज पॉजिटिव हैं, जबकि रिम्स के कोरोना सेंटर लैब को सील कर दिया गया है क्योंकि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब के टेक्नीशियन के संक्रमित होने से रिम्स को सील कर दिया गया है। विभिन्न संस्थानों के सैंपल को अब जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। ICMR ने राज्य के 4 निजी लैब को जाँच की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस तेजी से झारखंड में अपना पैर पसार रही है, वहीं इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन लगातार कई इंतजाम कर रही है। MGM अस्पताल में अब वार्डो का निरीक्षण CCTV कैमरे से किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर में अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों को लेकर 1400 से अधिक आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है, जहां 1700 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बना है। MGM अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था, जिसको लेकर अब सुरक्षा के साथ 17 CCTV कैमरे से आइसोलेशन वार्ड पर निगरानी रखी जाएगी, जिसे मरीजों के साथ वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सों की सुरक्षा पर विशेष नजर रहेगी। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना घटी थी जिसमें मरीज लोग कुछ नाराज हो गए थे। नेचुरल है कि आइसोलेशन में थोड़ा सा उनको अब लकी लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ये दोबारा घटना ना घटे हम लोग इसको CCTV के थ्रू एक तो कवरेज कर दिए, तो 24 आवर्स हमारी निगरानी में रहते हैं। हमने गार्ड की संख्या बढ़ा दी वहाँ पर और स्पेशल सफाई कर्मचारी हैं जो 24 घंटे वहाँ पर सफाई का बंदोबस्त रखते हैं। खाने पीने का जो प्रॉब्लम था उसको भी हम लोग सुधार ले आए हैं। अभी पानी एक्स्ट्रा वहाँ रखा रहता है, पहले पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी पानी डिस्पेंसिंग यूनिट के थ्रू उनको मुहैया करा दिया गया।
कोरोना संकट को लेकर पूरा देश लॉकडाउन पर है, वैसे लॉकडाउन को लेकर एक और जहां देश भर के शॉपिंग मॉल से लेकर हर जरूरी सामानों की दुकानें पिछले 24 मार्च से ही बंद है, वहीं झारखंड के जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में शराब माफिया अभी भी सक्रिय है। गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर आबकारी विभाग की टीम ने बोराम थाना अंतर्गत पातीपानी गांव से सटे दलमा पहाड़ एवं कुलटाड़ गांव के समीप मिर्जाडी पहाड़ पर चोरी छिपे संचालित हो रहे दो अवैध महुआ शराब चलाई भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान घटनास्थल से उत्पाद विभाग की टीम ने 1400 किलो जावा महुआ और 80 लीटर अवैध रूप से निर्मित महुआ शराब को बरामद किया है। वहीं शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहे। वैसे यहां किन भट्टियों का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा था, इसकी पड़ताल की जा रही है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड 30 प्लैटिना सिटी के समीप खरकाई नदी में डूबने से आज फिर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व इसी जगह पर दो छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी। मृतक का नाम कन्हैया राय बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मृतक की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। लॉकडाउन की वजह से नदी के उस पार से सस्ती सब्जियां लाने कल शाम वो घर से निकला था। इसी बीच लौटने के क्रम में तेज आंधी और बारिश के बीच वह नदी की भंवर में फंस गया, जिससे वो डूब गया। हालांकि कल शाम से ही युवक की तलाश जारी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण रात में तलाशी अभियान नहीं पूरी हो सकी। इधर आज स्थानीय गोताखोर युवकों ने घंटों मशक्कत के बाद मृतावस्था में शव को बाहर निकाला। मृतक का नाम कन्हैया राय बताया जाता है और वो मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक तो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे और जिलिंगोड़ा गए थे कुछ साग वगैरह लाने के लिए, नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब करके डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो ये सब बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर दिन रात पूरे जुगसलई नगर परिषद को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थानीय लोग व जुगसलई नगर परिषद के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की बात भी कही गई। इस महामारी में जहां एक तरफ देशवासी अपने घर पर रहकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। इनके कार्यों के लिए स्थानीय लोग व जुगसलई नगर परिषद के द्वारा सारे सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनके कार्यों की सराहना की गई। वहीं जुगसलई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने कहा कि इस महामारी में क्षेत्र की साफ सफाई व सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार कर सारे सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हैं और आगे भी तन मन धन के साथ ये कार्य जारी रहेगा। साथ ही ऐसे लोग जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं, चाहे वो चुनाव ब्लीचिंग छिड़काव करने काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, आश्रय गृह है, क्वारंटाइन सेंटर है, उसकी साफ सफाई हो, इसमें पूरी तन मन धन के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से और अपनी ओर से कई जगह पर जो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की तकलीफ थी, उनके लिए 14 स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। और यह प्रयास हम लोगों का है कि हमारे सफाई मित्रों के सहयोग से ये कार्य लगातार जारी रहेगा, शहर को सैनिटाइज हम लोग करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने स्थानीय लोग और नगरपालिका के द्वारा इन सभी सफाई मित्रों को सम्मानित करने का कार्य जारी किया गया है। इनको शॉल देके, साबुन देके, पुष्प देके हम लोग सम्मानित कर रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के बीच घोटाले का दौर भी शुरू हो चुका है। गर्भवती महिलाओं के लिए पहुंच रहे पौष्टिक आहार अब घोटाले की भेंट चढ़ रही है। आपको बता दें, किताड़ी के ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी सेविका पर गर्भवती महिलाओं की आहार का घोटाला करने का आरोप लगाया। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा पौष्टिक आहार और हॉर्लिक्स गर्भवती महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है। आंगनवाड़ी सेविका सरकार की इस योजना को जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दे रही है। उधर पंचायत समिति सदस्यों ने इस मामले को लेकर CDPO से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कर आंगनवाड़ी सेविकाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वैसे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में आंगनवाड़ी सेविकाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ लॉकडाउन के कारण दाने दाने को मोहताज हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की योजना लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोगों को कई दिनों से मैंने तरह तरह की मैंने जानकारियाँ मिल रही थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है कि इस तरह का घोटाला किया जा रहा है। कई सारे लाभुक लोग भी हम लोगों को बोलते थे, तो हम लोगों ने कि चलिए एक बार कम से कम निरीक्षण किया जाए। और हम लोग औचक निरीक्षण, हम और हमारी टीम के साथ में हम लोग गए औचक निरीक्षण किए। औचक निरीक्षण में हम लोग पूरा पूरी हम लोगों जो है कि घोटाला पाए हैं। और हम लोग मैडम के पास में भी हम लोग आए हैं कि उचित कार्रवाई करें। देखिए, ये राशन जो है ये गर्भवती और धात्री और बच्चे लोगों के लिए है। ये राशन आता है, ये जो है कि राज्य सरकार के तरफ से JSLPS को जाता है और JSLPS की जो SHG है वो मैंने केंद्र में सप्लाई करते हैं। लगभग हम लोग तो अभी 85 घर हम लोग निरीक्षण किए थे। 50 घर में अभी हम लोगों ने कम से कम 5-7 घर तो हम लोगों ने देखा कि जो उन लोगों को राशन मिला ही नहीं है। और भी जो होता था, और भी बहुत कुछ होता है कि उसमें हाँ ये लॉकडाउन में ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस समय में, इस परिस्थिति में, इस आपदा में आज जो उन्होंने इस तरह का काम किया है बहुत गलत है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।